नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लास्ट क्लास में कल पढ़े थे जो कंपनी का इंट्रो और कंपनी से रिलेटेड जो हमारा शॉर्टकट की है उसके बारे में पढ़े थे। लेकिन आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री का आप एक बार जान लीजिए कि जब तक आपको शॉर्टकट की नहीं याद रहेगा आपको वाउचर खोजने में प्रॉब्लम होगा। अब पेमेंट कहाँ है, रिसिप्ट कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप एक एक वाउचर के बारे में मैं आपको ऐसा क्लियर करूँगा कि फिर दोबारा आपको वाउचर एंट्री में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ढेर सारा प्यार हमको दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और उम्मीद है आपको बच्चे अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि घर बैठे सभी कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके और मेरा जो सपना था वो साकार हो सके। हमारा सपना नहीं, ये पूरे माया परिवार का सपना है कि हर घर हर गांव में लोग कंप्यूटर साक्षर हो और कंप्यूटर के प्रति उनको मन में कोई तरह का डर भय नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो है वाउचर एंट्री। टैली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में क्या मतलब ये है कि जब आप कोई भी वाउचर बनाते हैं या इनवॉइस जनरेट करते हैं या बिल जनरेट करते हैं, बहुत लोगों का कहना रहता है कि सर बिल बनाना सिखाइए, बिल बनाना सिखाइए। तो बिल बनाने के लिए आपको क्या होगा, वाउचर बनाना होगा इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो आप उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा की जानना होगा। तो वाउचर एंट्री का जो की है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टार्ट होता है F4। F4 का मतलब होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। अब काउंटर वाउचर में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका बैंक और कैश का मतलब ये है कि आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि बैंक और कैश का क्या मतलब। जैसे एक क्वेश्चन सपोज मान लीजिए रहेगा कि पेड या पेड नहीं, अच्छा लग रहा, पेड नहीं, डिपॉजिटेड इंटू SBI RS 10,000। सपोज मानिए आपको कोई कहा कि आप 10,000 रुपये जाओ SBI के अकाउंट में जमा कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप इसका एंट्री कैसे बनाएंगे, बैंक SBI अकाउंट DR2 कैश, कितना 10,000 हो गया और 10,000 हो गया। आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आपको वाउचर एंट्री समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब SBI RS 10,000। तो 10,000 आपने बैंक को जमा किया तो पाने वाला हमारा बैंक हो गया, तो SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यह जो वाउचर है यह वाउचर किस में बनेगा, तो यह F4 में बनेगा क्योंकि कॉन्ट्रा है, बैंक से संबंधित है। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन दूसरा ये है कि विड्रॉल कैश फ्रॉम SBI, SBI हटाइए, मान लीजिए हम बड़ौदा करते हैं BOB, RS 5,000, ठीक है। अब क्या है कि बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक से जो हम पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अब इसका एंट्री जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कैश अकाउंट DR कितना 5,000 to BOB account RS 5,000। अब देखिए ऊपर वाले एंट्री में क्या है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, नीचे वाले एंट्री में क्या है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। दोनों परिस्थिति में अगर हो तो वह ट्रांजेक्शन हमारा F4 में बनेगा। अब आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि ट्रांजेक्शन दैट इज कंप्लीट रिलेटेड टू बैंक और कैश दैट गोज टू F4, वैसा एंट्री वैसा ट्रांजेक्शन जिसका संबंध कैश और बैंक से हो तो उसका वाउचर कॉन्ट्रा में बनता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा इसके बाद है, इसी तरह से बच्चे हम सारे क्वेश्चन जो भी हमारा वाउचर एंट्री है उसको हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप फिर दोबारा कभी आप ना भूलें, है ना। अब हमारा अगला है, अगला मेरा है F5।
F5 का मतलब होता है पेमेंट, पेमेंट भाउचर। पेमेंट भाउचर में क्या है कि आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पेमेंट भाउचर में आप लिख लीजिएगा, अगर लिख रहे हैं तो, कि क्या होता है पार्टी नेम, पार्टी नेम जो होगा वो हमेशा डेबिट होगा, ध्यान रखना है। और कैश या बैंक हो तो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। कैसे होगा सो देखिए, सपोज मानिए आप 30,000 रुपया खर्च करके आपने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। अब कंप्यूटर आपने खरीदा तो आपको क्या हो, दुकानदार को 30,000 रुपया कैश देना पड़ेगा। अब 30,000 रुपया कैश पेड किए अगले दुकानदार को, फिर वो उसको आप वो आपको क्या दिया, कंप्यूटर दिया, तो अब वो किस में बनेगा, पेमेंट में बनेगा। अगर आप किसी लेबर को, किसी मजदूर को, किसी अकाउंटेंट को, किसी को सैलरी कुछ भी आप देते हैं तो वो पैसा कहाँ बनेगा, पेमेंट भाउचर में बनेगा। अब पेमेंट भाउचर में आप ये देखिए, अब इसका एग्जांपल एक देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा पेड वेजेज RS 200 या 2000 कर दिए, यानी कि आपने मजदूरी दिया कितना 2000, तो इसका एंट्री क्या होगा, वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कितना 2000 और 2000। तो अब देखिए वेजेस आ गया डेबिट, या तो पार्टी नेम हो या इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं नेम ऑफ अकाउंट जिसके मध्य में आप पेमेंट जारी कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो आपका ये कहलाता है, ठीक है। तो ये किस में बनेगा, F5 में बनेगा। अब एक और एग्जांपल आप समझिए, दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज माने कि आप परचेज, एक कंफ्यूजन बहुत हो जाता है लोगों के मन में, परचेज कंप्यूटर बाय चेक RS 30,000, ठीक है। अब आपने क्या किया, 30,000 रुपया में चेक के माध्यम से आपने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो आप इसका क्या बनाएंगे, तो इसका जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 30,000 अप टू, अब देखिए यहाँ पे बैंक का नाम तो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे सीधा दे देंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000, क्लियर है। तो ये एंट्री किस में बनेगा, पेमेंट में बनेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला भाउचर है वो अगला भाउचर क्या है, तो अगला भाउचर है हमारा रिसिप्ट भाउचर। रिसिप्ट भाउचर में क्या होगा कि जस्ट अपोजिट होता है, उसमें आपको कैश और बैंक हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब ये है कि पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, और पेमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस से पैसा किसी को जा रहा है, यानी कि किसी ने किसी को आप पैसा पेमेंट दे रहे हैं, है ना। अब हमारा देखिए, अब हमारा जो अगला है वो है F6। F6 का मतलब होता है रिसिप्ट भाउचर का मतलब क्या है कि आपका, अब यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैश या बैंक हो तो क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, और पार्टी नेम क्या होगा, पार्टी नेम हमेशा क्रेडिट होगा। आपको कहीं भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। सो मेरे सभी मित्र भाई बहन दोस्त, सबसे नम्र निवेदन है मेरा कि आप मेरे सारे क्लास को अच्छे से देखें, फिर आपको कभी लाइफ में दोबारा टैली कहीं किसी संस्थान में जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका भी दायित्व है कि आप मेहनत करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं और कंप्यूटर पर उसको प्रैक्टिस करें। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ कमेंट कीजिए, या हमारा जो बहुत सारे बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें इस पर शेयर कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है, दिक्कत है उसको, ठीक है। अब हमारा रिसिप्ट है। अब जैसे इसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें सपोज मानिए हम पहला क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम रमन, है ना, कैश रिसीव फ्रॉम रमन।
अब इसका मतलब ये है कि रमन से आपको पैसा कंपनी में आया कितना, RS मान लो 10,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपया का वो रमन से हमारे कंपनी में आया, तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR 10,000 टू क्या होगा रमन, क्योंकि रमन से पैसा आया हमारे पास, तो रमन अकाउंट 10,000। अब देखिए यहाँ कैश डेबिट हुआ, पार्टी नेम क्रेडिट हो गया, तो ये हमारा किस में बनेगा, तो ये मेरा F6 में बनेगा। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि चेक रिसीव फ्रॉम CRM RS 10,500, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट DR 10,500 टू CRM कितना, 10,500, ठीक है। तो आपको एकदम कैसा लगा, एकदम आप ध्यान से देखिए, और ये है हमारा EB किस में जाएगा, F6 में जाएगा। तब आपको समझ में आ गया हो कि कैश और बैंक डेबिट रहे तो रिसीव वाउचर, पार्टी नेम क्रेडिट रहे तो रिसीव वाउचर, अगर कैश बैंक क्रेडिट हो, पार्टी नेम डेबिट हो तो पेमेंट वाउचर, जो हम पहले पढ़े हैं। दो दो एग्जाम्पल हम आपको दे दिए, इसके बाद अभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ढेर सारा एग्जाम्पल, चूँकि पूरे 1 साल का हम आपको सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं, 1 साल में पूरा जो भी हमारा फिनेंशियल ईयर है, पूरा फिनेंशियल ईयर हम आपको कंप्लीट कराएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, दिक्कत नहीं झेलना है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर बहुत कम एग्जाम्पल पढ़ाए हैं। पूरा अप्रैल से लेके हम लोग शुरुआत करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन सेशन चलेगा, और अप्रैल से लेके चलेंगे, और हमारा मार्च तक पूरा का पूरा 1 साल का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। फिर अब आप देखिए, अब हमारा जो अगला भाउचर है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो अभी अभी आए होंगे या हमारे क्लास से जो जुड़े होंगे उनसे भी नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे क्लास, अगर आपको अच्छा लगे, पहला मैं बता देता हूँ कि आपको अच्छा लगे तब आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप बिल्कुल मत कीजिए, और दूसरी बात कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा तो उसका कारण हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अब हम लोग पढ़ लिए थे, ध्यान दीजिए, पढ़े क्या क्या, F4 पढ़े, F5 पढ़े, F6 पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं F7। F7 क्या होता है, जर्नल जर्नल भाउचर, ठीक है। जर्नल भाउचर हमारा क्या है, जर्नल भाउचर का मतलब है कि वैसा लेन देन, वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश तथा बैंक का जिक्र बिल्कुल ना हो। अगर कोई भी सामान हम किसी से क्रेडिट ले रहे हो या क्रेडिट दे रहे हो, तो उसका एंट्री हम, उसका भाउचर हम किस में बनाएंगे, जर्नल में बनाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि नो कैश और बैंक अलाउड, इसीलिए हम स्टार मार्क कर रहे हैं रेड से। इसमें कैश तथा बैंक का जिक्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वह ट्रांजेक्शन हमारा जर्नल में जाएगा। अब जैसे देखिए कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आज ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे हो गया परचेज स्टेशनरी फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट RS 7,000, ठीक है। ग्लोबल हाउस से आपने 7,000 का स्टेशनरी सामान उधार खरीदा, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो एंट्री पहले देखते हैं इसका जर्नल क्या बनेगा। तो इसका जो भाउचर होगा वो बनेगा स्टेशनरी
स्टेशनरी अकाउंट डीआर कितना है? 7000 टू क्या है आपका ग्लोबल हाउस, अब आप ध्यान देंगे कि इस ट्रांजेक्शन में सबसे खास बात ना कैश है ना बैंक है। कैश बैंक का तो जिक्र बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है। तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किस में बनेगा? तो F7 में बनेगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला है, अगला वाउचर हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगला F7 के बाद हमारा आता है सेल वाउचर। अभी हम आपको बेसिक वाउचर बता रहे हैं, जब हमारा एडवांस क्लास होगा फिर आपको उसमें हम परचेज ऑर्डर बताएंगे, सेल ऑर्डर बताएंगे, मेमोरेंडम वाउचर बताएंगे, जीरो वैल्यूड एंट्री वाउचर बताएंगे, आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट पढ़ाएंगे। आपका एक भी वाउचर मैं नहीं छोड़ूंगा, आपसे पहले ही वादा कर चुका हूँ। लेकिन क्लास मैं आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा देने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप कहीं भी जॉब करने जाएँ या कहीं भी काम करें या अपना खुद का बिजनेस करें तो आपको कहीं से कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला, अब हम लोग क्या पढ़ लिए? F7 पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे F8। F8 होता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या है कि जब कोई सामान आइटम का डिस्क्रिप्शन हो, अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं आइटम के साथ, आइटम वाइज अगर सेल हो रहा है, ठीक है, तो हम इसका एंट्री किस में करेंगे? सेल में करेंगे, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको एकदम समझ में आएगा कि सपोज, अब देखिए सेल टू राधा ऑन क्रेडिट RS 20,000 आइटम्स गिवेन बिलो। ठीक है, आइटम क्या है? तो आइटम में हमारा हो गया कंप्यूटर i7 10 पीस, या एक ही पीस रहने दीजिए क्योंकि 20,000 है ना, एक पीस, और इसका अमाउंट हो गया कितना? 20,000। अब वैसा वाउचर जिसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन हम पहले लिख दिए हैं, आइटम होगा तो उसका क्वांटिटी होगा, अमाउंट होगा, फिर डिस्काउंट होगा और बहुत सारी बात है, फिर GST है, क्या है नहीं है, वो आपको इस पर अप्लाइड होता है। और GST अगर हम बात करें तो GST पे 12% अप्लाई होगा GST। ठीक है, तो इस तरह का ट्रांजेक्शन हो, इस तरह का बिल हो, इन्वॉइस हो, तो वो किस में बनेगा? सेल वाउचर में बनेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है और लास्ट है बेसिक के लिए, जो हमारा बेसिक वाउचर एंट्री है, बेसिक वाउचर एंट्री में इतना ही होता ही है, और इसी से आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। जब हमारा एडवांस क्लास हम आपको देंगे तो एडवांस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको जो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं F8, अब पढ़ेंगे हम F9। F9 में क्या होता है? इसमें होता है परचेज वाउचर। ठीक है, परचेज वाउचर मतलब जब भी हम इसमें भी हम लिख देते हैं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारा आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन हो, है ना। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, आप परचेज फॉलोइंग आइटम्स ऑन कैश फ्रॉम सीता। ठीक है, अब आइटम क्या है भाई? तो आइटम देखिए, कीबोर्ड हो गया कितना? 10 पीस, एक का दाम 200 रुपया,
200, दूसरा माउस 10 पीस 150 रुपये, मॉनिटर 10 पीस 3500 रुपये। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा खुद से। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद तो यह जो क्वेश्चन हुआ ये हमारा आइटम वाइज होता है, और इसका जो भाउचर एंट्री होगा, इसका जो बिल बनेगा वह किस में बनेगा, तो परचेज में बनेगा। ये था, एक बार हम फिर से आपको रिकवर कराते हैं। F4 अगर कॉन्ट्रास्ट, F4 में क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर, जब कैश तथा बैंक का जिक्र हो तो कॉन्ट्रा में बनेगा, जब किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट में बनाएंगे, किसी से रिसिप्ट पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है तो हम रिसिप्ट में बनाएंगे, जिसमें कैश तथा बैंक का डिटेल ना हो, जिक्र ना हो, लेकिन कभी कभी होता है, उसको हम अलग कंडीशन है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो जर्नल में F8 में सेल करेंगे और F9 में परचेज करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर जो हमारा डे का सीरीज चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, वो आगे आएगा अगला क्लास। और आप पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम बिल्कुल दिल खोल के पढ़िए, ऐसा आपको लगना चाहिए कि सर पास में बैठ के हमको पढ़ा रहे हैं। और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि जब अपना भाउचर एंट्री स्टार्ट होगा तो मैं आपको कंप्यूटर पर बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे पूरे मंथ का, अप्रैल का, मई का, जून का कैसे ट्रांजेक्शन होगा, कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, कैसे हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, कैसे हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, कैसे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे इत्यादि। तो टैली के लिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।